नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार राज्य भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। पटना बिहार की राजधानी है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। बिहार भारत देश का एक प्रशासनिक राज्य है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप बिहार राज्य अस्तित्व में आया। 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर एक और राज्य बना, झारखंड। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, उसके बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। बिहार के लोगों के आय का मुख्य साधन कृषि है। बिहार सबसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। कृषि के अतिरिक्त असंगठित व्यापार, सरकारी नौकरियां और छोटे उद्योग धंधे भी बिहार के लोगों की आय के साधन हैं। हालांकि सरकार के निरंतर प्रयासों से बिहार की स्थिति अब बदल रही है। बिहार की लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खनन और विनिर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय में अभी काफी पीछे है। राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर गरीबी रेखा के नीचे है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। परंतु आजादी के बाद शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति या अन्य कई कारणों से बिहार की शिक्षा स्तर में गिरावट होती गई। हाल के दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। हाल में पटना में एक IIT, NIT और हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया है। बिहार के बेहतर भविष्य के लिए यह एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा बिहार में मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। राजधानी पटना में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा एम्स, इन सभी अस्पतालों का निर्माण हुआ है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो बिहार राज्य को 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। जिलों को 101 अनुमंडल, 534 प्रखंडों, 8,471 पंचायतों और 45,103 गांव में बांटा गया है। बिहार में कई दर्शनीय स्थल हैं। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का जन्म स्थल है। गया में महाबोधि मंदिर तथा बोधि वृक्ष है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहां हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। राजगीर की छटा ही निराली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ पर मंदिर अत्यंत दर्शनीय स्थल हैं। यहां का गर्म कुंड भी काफी प्रसिद्ध है। मधुबनी की पेंटिंग तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हजारों पर्यटक यहाँ की पेंटिंग देखने आते हैं। पटना में तारामंडल, सारण में सोनपुर मेला, भागलपुर में तसर सिल्क उद्योग केंद्र और औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, ये सभी बिहार के दार्शनिक स्थल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।